त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। अग्निपथ योजना के विरोध में कल हुए बवाल को देखते हुए मथुरा पुलिस ने नेशनल हाईवे दिल्ली आगरा के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया है और कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही युवाओं को हिरासत में लिया गया है। एसपी सिटी एमपी सिंह ने बताया कि स्थिति बिल्कुल सामान्य है, रोड पर सभी यातायात व्यवस्था सही है और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटनाओं को देखते हुए आज सुरक्षा और चाक चौबंद की गई है। हमको दो कंपनी की पीएसी बाहर से और मिली है जिनका आज डिप्लॉयमेंट किया गया है हर चौराहे। और आज हम लोगों ने नई स्ट्रेटेजी के साथ हर चौराहों पे जो कल जहाँ जहाँ भी उपद्रव हुआ था उन चौराहों पर एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया है। कल हमारी फोर्स कुछ नमाज के लगी थी वो भी आज हमको फ्री मिल गई है। तो आज हमने हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा डिप्लॉयमेंट किया है। बलिया में अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल पर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जिलाधिकारी का कहना है कि विभिन्न संवेदनशील और सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। वहीं राजकरण नैयर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 109 लोगों को जेल भेजा गया, 300 उपद्रवी अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कल हमारे द्वारा 109 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर हमारी अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 300 ज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत है और अन्य जो तहरीर मिल गई है उनको भी मुकदमा पंजीकृत करके एक GRP द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज हम लोगों ने विभिन्न संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करके सभी जगह भारी पुलिस बल का जो मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है और सुबह 4 बजे से ही हम लोगों की पूरी ड्यूटी डिप्लॉयड है। और खबर लखनऊ से है जहां अग्निपथ योजना के तहत लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही हाथों में कंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा। दौरान प्राइम टीवी के संवाददाता विभांशु ने लखनऊ पूर्वी से अप्रत्याशी आलोक सिंह से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है अपने पूंजीपति मित्रों को पहुंचाने की योजना है। अग्निपथ योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के नौजवानों के साथ सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है, उनको गुमराह करने का काम किया है अपने चंद पूंजीपति मित्रों को सिक्योरिटी गार्ड देने के नाम पर। वो सेना की ट्रेनिंग एजेंसी नहीं, वो सेना के नाम पर सिक्योरिटी गार्ड की एजेंसी खोलने का काम कर रहे हैं। 4 साल के बाद 21 साल 22 साल 23 साल का जो नौजवान रिटायर हो जाएगा सेना से, उसके पीठ पर छुरा घोंपने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। उसी क्रम में इस वक्त मैं लखनऊ के कमिश्नरेट पे मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कंडे लेकर और इस योजना को गोबर योजना बता रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अपने ऊपर वो कंडे रखे हैं और इस योजना का जो है तुलना गोबर से कर रहे हैं। उनकी तरफ से तमाम कहा जा रहा है कि कंडे बेचने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जो पूर्वी से प्रत्याशी रहे हैं आलोक सिंह जी, वो मौजूद हैं। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य सरकार को ये संदेश देना है कि वो जब भी मन करे कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेके नहीं आ सकती है जो देश के करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। आज आप देख रहे हैं कि 2014 से नोटबंदी आई, तमाम तरह की इस तरह की चीजें आ रही हैं जहां पे ना लोगों से कुछ पूछा जाता है ना कुछ किया जाता है, आप एक बड़ी चीज लेके आ जाते हैं और फिर देश जलता है। तो ये देश के युवाओं के साथ बहुत ही एक गलत काम हो रहा है और इसीलिए युवा जो है स्वेता निकल के आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। एक बात गलत हो रही है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी नष्ट कर रहे हैं, जिस पे उनको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा आलोक जी, ये बताएं इस योजना में क्या कमियां हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे गाँव के जो ग्रामीण इलाकों के बच्चे हैं वो शुरू से इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, बाकायदा कोचिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं। उनका जो मेन लक्ष्य होता है, ध्येय होता है कि वो लॉन्ग टर्म सर्विस कमीशन में जाएं और मिलिट्री में देश सेवा भी उनका एक लक्ष्य है, उसके बाद से उनके आमदनी का भी, उनकी नौकरी का एक मेन साधन होता है। अगर आप उसको देखिए, आप किसी की 25 साल की सर्विस को 4 साल की सर्विस कर देंगे तो पक्का है कि वो होगा, प्रोटेस्ट होगा, इसके लिए करना होगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप इनसे भी अगर पूछेंगे तो ये सही से बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इनकी, क्योंकि ये भी वही भावना शेयर करते हैं जो कि वो भावना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सड़कों पर निकले हुए युवा हैं जो भावना वो करते हैं, वैसी वही भावना इन लोगों की। ठीक,
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से यहां कंडे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। पंकज यादव। अच्छा पंकज जी, हमें ये बताएं कि अग्निवीर योजना में ऐसी क्या कमियां हैं कि आप लोग प्रदर्शन करें। देखिए, अग्निवीर जो है ये युवाओं को आग में झोंकने वाली योजना है। ये बताइए, युवा जो है गाँव में अपना खेती बाड़ी करके, किसान का बेटा मेहनत करके कई कई किलोमीटर दौड़ लगा के एक तैयारी करेगा, तैयारी करने के बाद वो चार साल बाद जो है वो मोदी जी को ये बात सोचना चाहिए कि वो जो 65-70 साल के वो देश चला सकते हैं, और नवयुवक जो 23 साल का होगा वो बेरोजगार हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। तो पहले मोदी को 4 साल इसको अपना जो इस्तीफा दे देना चाहिए। मोदी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो नोटबंदी की योजना हो, चाहे वो जीएसटी की योजना हो, चाहे वो एनआरसी सीए की योजना हो, सारी योजना इनकी फ्लॉप हो गई है। ये इन्होंने ना के बल इनको उल्टा खड़ा होना पड़ा है, इनकी कोई योजना पास नहीं। देश में इन नवयुवकों को, किसानों को, इन्होंने बेरोजगारों को गुमराह करने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है, और नवयुवकों को पकौड़ा बेचने पे मजबूर किया है। और आज उत्तर प्रदेश का नवयुवक, देश का नवयुवक कंडा बेच रहा है। मैं योगी से कहना चाहता हूँ, मेरा 1000 रुपए का कंडा ले लो, और मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपए का मेरा कंडा ले लो। एक कंडा बड़ी मेहनत से बनाया है, थोड़ा थोड़ा गोबर गाय और भैंस का गोबर जोड़ के मैंने बनाया है। तो इस कंडे को बना ले जाओ और उसका हमें कीमत दो, ताकि हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो इस वक्त में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ पार्टी के लोग हैं, उनकी तरफ से कंडा बेचकर और इस अग्निवीर योजना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर रायबरेली से है, जो अग्निपथ योजना वापस लोक के बैनर को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सर कोतवाली राघवन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे, और भारी संख्या में उपस्थित पुलिस बल ने युवाओं को खदेड़ते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में अग्निपथ योजना के विरोध में कल प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के बाद आज फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने उसी जगह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई और प्रदर्शनकारियों के संदेश देने की कोशिश की कि पुलिस किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से निपटने के लिए मुस्तैद है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना फरीदाबाद जिले में धारा 144 लगी हुई है, और 5 या 5 से ज़्यादा लोग जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में दिशा निर्देश सब फोर्स को दिए हैं। और यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, और कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस के दिन कर्नलगंज तहसील में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ जिले के अधिकारी भी खबर गोंडा से है, जहां आशा बहुओं के मेहनत की कमाई पर डॉक्टर डाका डाल रहे हैं और डॉक्टर अवैध वसूली कर रहे हैं। जमकर खेल है, आरोप है कि आशा बहुओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। आशा बहू ने सीएचसी अधीक्षक सुमन मिश्रा और बीसीपीएम राकेश मौर्य के ऊपर मेहनत की कमाई का पैसा जबरदस्ती लेने का आरोप लगाया है। मामले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और इसे स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। वायरल वीडियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुजेहना का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे को लेकर हर जनपद में दौरा कर रही है, वहीं गोंडा जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आशा बहुओं का शोषण की बात कही जा रही है। यह वीडियो मुजेहना स्वास्थ्य केंद्र का है। अब देखना यह है कि अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। प्राइम टीवी के लिए खेमराज मिश्रा की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां मसूरी इलाके के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। उल्टी दिशा में आते एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि दूसरे ट्रक के पीछे ट्रांसफार्मर लोड था, जिस वजह से हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई। 4:10 में सूचना मिली कि पेरिफेरल एक्सप्रेस में एक ट्रांसफार्मर
ट्रेलर लेके जा रहा था, गलत दिशा जा रहा था, सामने से आकर के ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी और अचानक आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने आकर के आग को बुझा दिया है और किसी तरह कोई जनहानि नहीं होने पाई और यातायात व्यवस्था को डाइवर्ट करके सुचारू रूप से करा दिया गया। खबर गोंडा से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने माता जी के जन्मदिन पर ब्लॉक प्रभु के शपथ समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान विधायक ने भाषण में बोला कि विकास के लिए डबल नहीं अब ट्रिपल इंजन सरकार की जरूरत है। बता दें आयोजन के दौरान दिलीप उपाध्याय ने बताया ग्राम पंचायत से छूटे कामों को क्षेत्र पंचायत से पूरा किया जाएगा। खबर कुशीनगर से है, जहां स्थानीय कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस चौकी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने प्रशासन के SDM और क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में भारी पुलिस फोर्स के बीच हिरासत में लेकर पुलिस चौकी भेजा। खबर मुरादाबाद से है, जहां सदर तहसील में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील में SDM प्रशांत तिवारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज विभिन्न विभागों में 22 शिकायतें मिली, जिनमें राजस्व विभाग, बिजली विभाग और पुलिस से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वह 2 शिकायतों पर मौके का निस्तारण किया गया है, जबकि और शिकायतों के लिए टीम बनाकर समस्या का समाधान करवाने के लिए गुणवत्ता जाँच के लिए भेज दिया। आज सदर तहसील में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व महोदय के अध्यक्षता में तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों की लगभग 22 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से अधिकतर शिकायतें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और विद्युत विभाग से संबंधित हैं। 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष के लिए टीम बना करके समस्या का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु भेजा जा रहा है। और यह केरवा कटरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। नाबालिग की मौत का पता लगते ही परिवार वालों में हड़कंप मच गया। पीड़ित पिता ने थाना अध्यक्ष को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि मेरे पत्नी घर से बाहर गई थी और इसी बीच गांव के एक युवक ने बेटी के साथ मारपीट की और उसके साथ छेड़छाड़ की। थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगाई गई। की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच सा